हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जिसके ऊपर मैंने आज अपडेट दिया था कुछ स्टॉक्स के ऊपर। पहला स्टॉक था दोस्तों KEC को हमने बाइंग बोला था मार्केट ओपन होने से पहले ही करंट मार्केट प्राइस में, और इसने आज का जो हाई लगाया हुआ 412 रुपए का हाई लगाया है। और दूसरा स्टॉक्स था किकरे का दोस्तों, इसको हमने टारगेट दिया था, उस टारगेट को भी इसने ऑलरेडी अचीव कर दिया है। यहाँ पर हमने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को 7050 रुपए से लेकर 7060 रुपए के प्राइस के आसपास हमने करंट में सेल बोला था, और पहले शुरुआत से ही गैप डाउन दिख रहा था। कल से ही मैंने एनालिसिस करके बताया था कि इस लेवल के नीचे आता है तो हम सेल करके जा सकते हैं। तो आज आप टारगेट देख सकते हैं 6930 रुपए का तक ये लो बनाया है। तो दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आपने हमारे इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, यहाँ आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देखने को मिलते रहते हैं। चलेंगे हमारे स्टॉक। दोस्तों नमस्कार, मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जिरोधा के टर्मिनल में हम किस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना हम सीखेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ट को मैं बड़ा कर लेता हूं, इन सब इंडिकेटरों को मैं रिमूव कर देता हूं। ये देखिए, क्लियर चार्ट आ चुका है। अब हम इसमें लाइन ड्रॉ किस तरीके से करेंगे, ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रेंड लाइन किन किन जगह पे वर्क करता है, और मार्केट का जो मोमेंटम होता है दोस्तों, वह मार्केट अप ट्रेंड होता है और डाउन ट्रेंड होता है, इसके बाद साइडवेज होता है। तीन चीजें हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो इन तीनों जगह पे ट्रेंड लाइन प्रॉपर वर्क करता है। अगर आप इसके इस्तेमाल अगर आप इसका यूज करना सीख जाते हैं तो बहुत अच्छे से प्राइस को पकड़ पाएंगे, और ट्रेंड लाइन को ही प्राइस फॉलो करता है। चलिए देखते हैं एक एक करके ट्रेंड लाइन को प्राइस किस तरीके से फॉलो करता है, इसको सबसे पहले समझते हैं। हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना भी सीख जाएंगे इसी से। देखिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ दिया है पेन का एक ऑप्शन, जिरोधा काइट ऑप्शन में, इसको हम जाएंगे ओपन करेंगे, और इस तरीके से हमारे सामने काफी टूल आ जाते हैं, और जो टूल है वो अलग अलग प्रकार के हैं। तो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ के लिए इस टूल का यूज करूंगा। चलिए हम यूज करते हैं। ये देखिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो सेगमेंट आ गया, और हम इसका यूज करेंगे। हम ट्रेंड लाइन प्राइस में एक मोमेंटम हुआ है, यहाँ पे एक अप ट्रेंड चला है, तो अप ट्रेंड में जो हाई हमको दिख रहा है उसको मिलाएंगे, और ऊपर के लेवल में जो हाई हमको दिख रहा है इस यहाँ पे इसको मिलाएंगे। ये देखिए, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। इसके लाइन को थोड़ा मोटा करते हैं, क्लियर दिखेगा आपको। ये देखिए, मैंने ऊपर के दोनों हाई को मिलाया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से। ये देखिए, एक हाई है और यहाँ पे ये दूसरा हाई है, इन दोनों हाई को मैं मिलाया तो हमको जो तीसरा हाई बनने वाला था या बनता वह ऑटोमेटिक मिल गया है। देखिए, प्रॉपर इसी आसपास तक इसका जो तीसरा हाई था वह भी बना, इसके बाद मार्केट गैप डाउन। तो ये होता है ट्रेंड लाइन का जादू, आप देख रहे होंगे, क्योंकि हमको ये वाला नहीं पता था, ये जो प्राइस होने वाला था वो नहीं पता था कि ये इसी आसपास तक आएगा और यहां से गिरेगा। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है, हमने दो हाई को मिलाया, फर्स्ट हाई ये और सेकेंड हाई ये, तो हमको तीसरा हाई ऑटोमेटिक मिल गया। ये देखिए, ये तीसरा हाई ऑटोमेटिक मिल गया। तो ये होता है ट्रेंड लाइन। इसी तरीके से हम ऊपर के लेवल में और नीचे के लेवल में भी लगा सकते हैं। ट्रेंड लाइन को हम प्रॉपर हायर हाई, हायर लो, इस तरीके से एक सीधी रेखा में दो हाई हाई को या दो लो लो बने मार्केट के अंदर उसको मिलाते हैं, तो हमको तीसरा आने वाला लो या तीसरा मिलने वाला हाई ऑटोमेटिक मिल जाता है, उसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही रहता है। हम चलिए यहाँ पे देखने को मिल रहा हमको, ये देखिए, हम इस हाई को इस हाई के साथ मिलान करते हैं, यहाँ पे इस हाई को इस हाई से मिलाते हैं, ट्रेंड लाइन मिल लेंगे, और इस हाई को इस हाई से हमने
मिला दिया। अब देख पा रहे होंगे हम इस हाई को और इस हाई को मिलाने का कोशिश किए हैं, इन दोनों हाई को मिलाए हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा तीसरा जो हाई काफी टाइम का गैप डाउन था वो उसी आसपास तक ये हाई बनाया और फिर गैप डाउन। ये इस तरीके से हायर हाई में काम करता है ट्रेंड लाइन। इस तरीके से आप ऊपर के हाई को मिला देंगे दो हाई को तो हमको तीसरा हाई ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये होता है ट्रेंड लाइन। टाइम फ्रेम को 15 मिनट करेंगे। उसी तरीके से लोअर लो को हम मिलाते हैं तो हमको अगला लो मिलता है क्या, इस पॉइंट को हम देखते हैं। ये देखिए इस लो को मैं मिलाता हूं, इस लो को इस लो के साथ मैं मिलाता हूं, ट्रेंड लाइन लेंगे और इस लो को मैंने इस लो के साथ मिलान किया और हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या हमको तीसरा लो मिल रहा है। इस पॉइंट में नहीं मिला, हर टाइम नहीं मिलेगा लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमको देखने को मिलेगा। इस पॉइंट को भी हमको माइंड में रखना है। तो इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं मार्केट के अंदर, चार्ट के अंदर, जेरोधा के टर्मिनल में। चलिए मैं और दूसरे स्टॉक्स के ऊपर दिखाने का प्रयास करता हूं। रिलायंस के ऊपर हम आ गए हैं, इसके ऊपर हम ड्रॉ करके देखेंगे लाइन। टाइम फ्रेम को 15 मिनट हम रख रहे हैं और देखेंगे। देखिए मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने की कोशिश करता हूं, क्या इधर का जो लाइन है वह मिल पाता है क्या। तो इस पॉइंट को भी हम देखते हैं, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिलाते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो प्राइस है, इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से मिलाया तो इसका जो प्राइस है इसी आसपास तक ही आने का कोशिश किया। ये देखिए यहाँ पर भी तो ये ट्रेंड लाइन ऊपर के टाइम में ऊपर ऊपर के हाई को मिला है, पहला हाई, दूसरा हाई, तो हमको तीसरा हाई, चौथा हाई बनने वाला जो होता है लोअर लेवल में या अपर लेवल में दोनों मिल जाएगा। अब इसको इस तरीके से अगर मिलाते तो ऊपर के भी हाई मिलता हमको। और एग्जांपल्स देखते हैं, ऊपर का एग्जांपल एक आध देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक अप ट्रेंड चला है मार्केट में, तो हम यहाँ देखेंगे इस हाई को हम मिलाएंगे, इस हाई को मिलाएंगे तो हमको अगला हाई ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। ऊपर साइड का है ये, इस हाई को मैंने मिलाया इस हाई के साथ तो तीसरा हाई हमको ऑटोमेटिक मिलना चाहिए। ये है ट्रेंड लाइन का जादू मार्केट के अंदर। आप देख सकते हैं ये पहला हाई को मैंने मिलाया तो ये दूसरा हाई, इन दोनों को मैंने मिलाया और आगे हमने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया और देखने को मिल रहा हमको तीसरा हाई जो बना हुआ इसी आसपास का है। इस तरीके से मार्केट के अंदर वर्क करता है ट्रेंड लाइन और इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर नीचे के लेवल में भी हम देख देते हैं। इस पॉइंट को मैं मिलाऊंगा, मार्कआउट करता हूं, सबसे पहले इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाता हूं लोअर लेवल में। इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से मिला दिया तो क्या हमको आने वाला लो मिल गया या नहीं। ये देखिए मैंने यहां पर इस लो को इस लो के साथ मिलाया तो हमको मिलने वाला है। देखिए यहां से ऊपर गया मार्केट, मिलने वाला नेक्स्ट लो यहां पर भी हमको मिल रहा था। इसके बाद फिर एक मार्केट में उछाल आता है, उछाल के बाद फिर से जो लो बना दोस्तों वह इसी आसपास का बना। यह जो प्रॉपर वर्क करता है वह तीसरे टाइम तक प्रॉपर ठीक से हमको संकेत मिलता है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यहाँ पे हमको प्रॉपर संकेत मिला और यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है किसी आसपास से ये बाउंस बैक कर रहा है। इसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन कटता है तब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, इसी को हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहते हैं। जैसे ये लाइन है और जैसे कि ये लाइन है, अब ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, अब इसको डाउन ट्रेंड में आना है तो ये ट्रेंड लाइन के सहारे ही यह ऊपर उठता रहेगा। ये देखिए इसी आसपास से आएगा, इसके फिर उछाल होगा, फिर आएगा फिर उछाल, फिर आएगा फिर उछाल, लेकिन जब भी ये ट्रेंड लाइन को नीचे निकाला तो आप देख पा रहे होंगे फिर स्टॉक के अंदर कैसा गिरावट देखने को मिला। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छे से काम करता है, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी से निकालते हैं लोग
कि यहाँ पे सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट लेवल है। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन होता है। जैसे ट्रेंड लाइन टूटा मार्केट के अंदर, गिरावट हुआ बड़ा, और जब तक नहीं टूटा था यह ट्रेंड लाइन तब तक इसी की ओर सपोर्ट ले लेकर बार बार ऊपर जा रहा था। जितना बार यह ट्रेंड लाइन के पास आके, जितना बार यह ट्रेंड लाइन को ठोकेगा उतना वीक होता जाता है यह ट्रेंड लाइन, कमजोर होता जाता है। जैसे यह सतह है और इसको हम बार 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 ठोकेंगे किसी चीज से तो ये बिल्कुल कमजोर होगा, वीक होगा और एक न एक दिन टूटेगा। तो वैसे ही तरीके से सपोर्ट एरिया जो बनता है वह काम करता है ट्रेंड लाइन का, और अचानक से टूटता है तो फिर एक बड़ा गिरावट रहता है मार्केट के अंदर। यह होता है ट्रेंड लाइन। ऊपर के लेवल में भी वर्क करता है, नीचे के लेवल में भी वर्क करता है, साइडवेज में भी वर्क करता है। ये देखिए अभी हम इस पॉइंट को मिलाते हैं, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, तो ऑटोमेटिक हमारा ये पॉइंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप देखिए इस पॉइंट को हमने मिलाया, इस पॉइंट को मिलाया, तो ऑटोमेटिक हमको कुछ नहीं करना पड़ा। तीसरा जो हाई बनने वाला था वो ऑटोमेटिक हमको दिख गया कि इसी आसपास तक आएगा, और एग्जैक्ट उसी लाइन को टच किया, इस हाई को और इस हाई को हमने मिलाया। इसी तरीके से साइडवेज में भी वर्क करता है। जैसे मार्केट साइडवेज है, इसका मतलब है कि ऊपर का भी एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और नीचे के लेवल में भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो जब ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ऊपर की ओर, तो हमको मूवमेंट मिलता है। इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं आप भी मार्केट में चार्ट के ऊपर। ड्रॉ करने आप बहुत आसान है, मैंने आपको बताने का प्रयास किया किस तरीके से वर्क करता है और कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहाँ जाएंगे, यहाँ आने के बाद यहाँ सेगमेंट है, इसके बाद लाइन भी अलग अलग प्रकार का दिया गया है, इस सब का भी यूज कर सकते हैं। लाइन है, सीधे हम यहाँ रखेंगे तो सीधा जिधर घुमाएंगे उधर घूमेगा। ये ओरिजेंटल लाइन है, मतलब सीधा सीधा रखाएगा प्राइस। ये देखिए ओरिजेंटल लाइन हमने यहाँ रखा, तो ये हाई, ये हाई, यह हाई, यह हाई, ये देखिए ये सब हाई ऑटोमेटिक मिल गए हमको, तो खोजना नहीं पड़ा कि कहाँ पास तक हाई बनेगा। देखिए इससे पहले कहाँ मार्केट गिरा, लेकिन ये वापस इसी पास से आ रहा है, इस पास से या ऊपर जाके थोड़ा सा ऐसे नहीं किया। इस तरीके से ट्रेंड लाइन मार्केट के अंदर काम करता है, और वहाँ काफ़ी सारे लाइन है, यहाँ से आप सबका यूज करेंगे। धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस होगा, पकड़ने लगेंगे ट्रेंड लाइन क्या होता है, उसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे होता है, साइडवेज में फंसता है इसके बाद ब्रेकआउट कैसे होता है। तो इन सब पॉइंट को धीरे धीरे करके आप सीख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।